नमस्कार, मैं पूजा शुक्ला। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी कि मैं जल नीति लेके आऊंगी। जल नीति सबसे ज्यादा फायदा नाक का अंडे के लिए होती है। नाक के लिए जिनको साइनस होता है उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। आपने सुना होगा साइनस का ऑपरेशन, अगर आप साइनस का ऑपरेशन कराएंगे तो भी साइनस का ऑपरेशन के बाद भी आपका साइनस ठीक नहीं होगा। बट एक जल नीति एक ऐसा है शुद्धि क्रिया जिसको करने से आपके नाक का साइनस दूर हो जाता है। नाक जिनको हमेशा सर्दी रहती है 12 महीने उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनको इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, एलर्जी बहुत हो जाती है डस्ट वगैरह से, उनके लिए जल नीति बहुत अच्छा है। चलिए जल नीति करने का मैं आपको तरीका, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए वो सब बताऊंगी। पहले हमें जल नीति करते समय ध्यान रखना है कि पानी कुनकुना होना चाहिए जो कि ये है। फिर उसमें हम अपना नमक डालेंगे जो आपका स्वाद है उससे थोड़ा ज्यादा, और फिर ये जल नीति का पॉट है। ठीक, अब आप चलिए, ये मैंने आपको पूरी सामग्री बता दी, ये सब सामग्री है। अब आप ध्यान रखें कि जल नीति करते समय आपको हमेशा किस तरीके से सावधानियां रखनी है। जल नीति के फायदे मैंने आपको बता दिए, वो गले के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है, नाक के लिए सबसे ज्यादा। नाक से जो भी समस्या होती है वो सब जल नीति से दूर होती है। अभी जो प्रेजेंट में बीमारी चल रही है कोरोना जैसी महामारी, उसमें सबसे ज्यादा फायदा जल नीति से होता है। क्यों? क्योंकि वो जो कफ होता है और जो इन्फेक्शन फैलता है वो नाक से फैलता है, तो हमें उसको साफ करने के लिए या हमें उससे बचने के लिए हमें जल नीति करना चाहिए। तो मैं जल नीति करने का आपको पहले एक तरीका बताऊंगी, उसके बाद करने पूरी विधि बताऊंगी। जैसे हमने ये जल नीति का, अभी मैं सिर्फ आपको पॉट पकड़ना तरीका बताऊंगी। हमें जल नीति के पॉट को पकड़ना है, फिर उसके बाद हमें सामने झुकना है और अपनी गर्दन पूरी झुका देनी है। ठीक, फिर हम इसी तरीके से ये पॉट को पूरा इस तरीके से फंसाएंगे नाक के अंदर और फिर इस तरीके से पानी निकालेंगे। ठीक, अब मैं आपको पानी बनाना सिखाती हूँ कि जल नीति करने के लिए हमें पानी कैसे बनाना चाहिए। ये मेरा नमक है, सेंधा नमक। आप कोई सा भी नमक ले सकते हैं, सादा नमक, काला नमक, बट सेंधा नमक थोड़ा अच्छा रहता है इसलिए हमने इसका यूज किया। ये मैंने नमक लिया स्वाद से थोड़ा ज्यादा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब मैं इसको चलाऊंगी। अब मैं इस पानी को थोड़ा सा टेस्ट करूंगी कि पानी कैसा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्वाद से थोड़ा ज्यादा, ये पानी सही है। ठीक, अब इसी तरीके से मैं जल नीति करना बताऊंगी। हमें पॉट को इस तरीके से फंसाना है, इसमें हमें अपना जल डालना है। अब मैंने आपको तरीका बताया था, हमें खड़े हो जाना है, सामने की ओर झुकना है इस तरीके से, अपनी गर्दन पूरी झुका लेनी है। एक हाथ आप कमर पे रखेंगे, दूसरा हाथ नाक पे, गर्दन पूरी झुका लेंगे। अब मैं आपको दूसरी नाक से करके बताऊंगी। और आप ध्यान रखें, जब आप जल नीति करें तो आपका मुंह खुला होना चाहिए। नाक से आप सिर्फ श्वास लेंगे, आपकी जो श्वास है वो नाक से नहीं लेके मुंह से लेंगे, नाक से सांस बंद कर देंगे। इस तरीके से आपका मुंह खुला रहेगा इस तरीके से। अब दूसरी नाक से, आप लोग ध्यान देंगे कि मेरा मुंह खुला हुआ है। ये मेरा पानी खत्म हो गया, अब मैं टॉवल से साफ करूंगी अपनी नाक को। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नाक से पानी जाने के बाद कभी कभार सिर में चला जाता है, तो हमें पानी को निकालना भी है। जिस तरीके से हम कपालभाति करते हैं उसी तरीके से, दोनों हाथ को हम पीछे डालेंगे, कमर पूरी झुकाएंगे, गर्दन पूरी झुकाएंगे, नाक से सांस पूरी फेंकेंगे। इस तरीके से मेरा पूरा पानी नाक से निकल चुका है, सिर पे भी नहीं जाएगा। जल नीति करने के लिए पॉट आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। और जल नीति करने की सही विधि यही है। तो आप लोग भी जल नीति करिए, अपने नाक को शुद्ध रखिए, शुद्धि क्रिया करिए और आप लोग भी स्वस्थ रहिए। इसको ट्राई जरूर करिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। धन्यवाद।